खबर उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने बिजली सब स्टेशन के बाहर आग लगा दी है। आपको बता दें कि ट्रांसगंगा सिटी प्रोजेक्ट की जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उन्हें जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि मौजूदा वक्त के हिसाब से उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। प्रशासन शनिवार को किसानों की जमीन पर जेसीबी चलवाए जाने के बाद किसान उग्र हो गए हैं। किसानों ने नाराज होकर जेसीबी पर पथराव भी कर दिया। तो ट्रांसगंगा सिटी में हंगामा लगातार जारी है और फिलहाल स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो ट्रांसगंगा को लेकर मुआवजे का ऐलान, किसानों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। कल भी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर लगातार शांत करवाने की कोशिश यहां पर किसानों को की जा रही थी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। पुलिस ने इस दौरान उन पर लाठी चार्ज भी किया, उनको शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन ये जो मामला है वो उग्र होता हुआ चला गया और उसके बाद हालात बेकाबू बने हुए हैं। किसान लगातार मांग कर रहे हैं और फिलहाल आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर में आग लगाने की कोशिश भी इन किसानों के जरिए की गई। उचित मुआवजा न देने का आरोप यहां पर इन किसानों के जरिए लगाया गया है। कहा जा रहा है कि जो आज के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए उसके मुताबिक ही मुआवजा दिया जाए। हालांकि शासन प्रशासन का कहना है कि मुआवजा दिया जा चुका है और अब कुछ भी बकाया मुआवजा यहाँ पर किसानों का नहीं बचता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो किसानों का एक घर है वो दो भागों में बट गया है और ऐसे में गलत फहमी यहाँ पर हो रही है और इसी गलत फहमी के चलते फिलहाल ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं उचित मुआवजे की। तस्वीरें आप देख सकते हैं ट्रांसगंगा सिटी, जहाँ पर हंगामा अब तक जारी है, हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के मद्देनजर फिलहाल मौके पर भारी फोर्स तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान और पुलिस बल आमने सामने आ गए, जमकर एक दूसरे पर वार यहां किया गया है। शांत कराने की कोशिश इन किसानों को की गई है, लेकिन इसी बीच ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी बीच किसानों ने ट्रांसफार्मर में आग लगा दी, यानी कि मामला कहीं ना कहीं और भी ज्यादा उग्र होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन फिलहाल हालातों पर निगाह लगातार पुलिस फोर्स बनाए हुए है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। सामने नहीं आ रहा है, इसमें जैसा कि हमने पहले बताया था कुछ अराजक तत्व हैं जो कहीं पर जो है इस तरह की घटना कर रहे हैं। एक जगह खुले में कुछ प्लास्टिक की पाइप पड़ी थी, वहां फूस पड़ा था, फूस में आग लगाने से प्लास्टिक की पाइप में आग पकड़ लिया है और उससे जल गया। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर, चूंकि एकदम गाँव के पड़ोस में है, यहाँ पर एक टैंकर खड़ा हुआ था वो मिक्सर, तो उसमें आग लगाने की कोशिश की गई है। किसान कोई सामने नहीं आ रहा है। अभी हम लोग गांव में जा करके लोगों से अपील भी करेंगे कि शांति बनाए रखें और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है कि 15 से 18 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये एक बहुत बड़ा विस्तृत एरिया है और इस विस्तृत एरिया में पूरा इनका सामान खड़ा है और सारी चीज़ें हैं, तो उन सामानों को हम लोग इकट्ठा करा करके दो तीन जो इनके गोडाउन हैं उनमें इकट्ठा करा रहे हैं और उनमें सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ मिस्क्रियंट्स हैं जो इस तरह कोशिश कर रहे हैं, बाकी पूरी शांति है, आप सभी लोग स्वयं ही देख रहे हैं। ये शांति हम लोग बनाए रखेंगे, किसी कीमत पर शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होने देंगे और काम भी यूपीसीडा का निरंतर चलता रहेगा।